कॉन्ग्रेचुलेशन, आप लोग जो है वेब सीरीज की दुनिया में आ रहे हैं, एंड डबल कॉन्ग्रेचुलेशन, दो भाई कह सकते हैं, दोस्ताना कह सकते हैं, एक साथ आ रहे हैं। तो जरा बताएंगे कि कैसा रहा एक्सपीरियंस ये वेब सीरीज की दुनिया में? जितना मुझे बताया गया कि वेब सीरीज की शूटिंग जो है आज स्टार्ट हो चुकी है या कंप्लीट भी हो चुकी है, हो चुकी है। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस? मुझे तो बहुत मज़ा आया। मैं क्योंकि मैंने काफ़ी टेलीविज़न किया है, वहाँ का एक्सपीरियंस लेके यहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। बहुत बहुत अलग महसूस हुआ हर चीज़। और रश्मित के साथ शूटिंग करके बहुत मज़ा आया। मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आया। रश्मित को बिल्कुल मज़ा नहीं आया, लेकिन नहीं नहीं बिल्कुल बहुत मज़ा आया। हम दोनों के लिए फर्स्ट वेब सीरीज़ है। वेब की दुनिया में हम एक साथ कदम रख रहे हैं। हमारी पहली फिल्म भी एक ही साल में 2003 में आई थी। सो ऐसे लग रहा है कि हमारे ये जो करियर्स हैं टैंडम में चल रहे हैं। और इस शो में हम, जैसे कि आपने कहा कि हम भाई बने हैं, राम लक्ष्मण जैसे जोड़ी है हमारी इस शो में। और हालांकि प्रेप करने में इतना वक्त मिला नहीं और हम सिर्फ शूटिंग के 2-4 दिन पहले ही मिले थे, लेकिन इंस्टेंटली वो कनेक्शन, जो केमिस्ट्री बनती है, वो जो इन कैरेक्टर्स के लिए बहुत एसेंशियल था, वो इंस्टेंटली हो गई हम दोनों के बीच में। एंड अभी भी है, यू कैन सी दैट वी आर वेरी कंफर्टेबल विद ईच अदर। वो करण जौहर वाली दोस्ताना वाला नहीं है ना? आई नो, आई एम जस्ट जोकिंग, आई एम जस्ट जोकिंग भाई, मेरी ह्यूमर इतनी गंदी है, समझा करो। हां जी, तो आप बताइए कि पेशावर के बारे में। पेशावर में मैं हूं, बुलकिंग में हम दोनों हैं, तो बुलकिंग के बारे में ये बताएंगे। बुलकिंग के बारे में थोड़ा बताइए कि आपका कैसा रहा? ये बेसिकली ये एक उन लोगों की कहानी है जो स्टॉक मार्केट के साथ का कनेक्शन है उनका, डायरेक्टली है इनडायरेक्टली है लेकिन है, और कैसे वो लोग अफेक्ट होते हैं स्टॉक मार्केट को लेकर, और इस शो में सब नेगेटिव तरीके से। आप बताइए। जैसे कि मैंने कहा कि हम दोनों भाई बने हैं द बुल किंग में। मेरा किरदार जो है बहुत ही चुलबुला, हंसी मजाक करने वाला टाइप का है। ये थोड़े से सीरियस है। पहले ये आते हैं मुंबई, छोटे से शहर से मुंबई आते हैं, बड़ा नाम कमाते हैं, फिर मैं आता हूँ उनकी, मैं एक तरह से इनकी पूजा करता हूँ क्योंकि मेरे बड़े भाई हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग फ्लेवर है कैरेक्टर का मेरा। पेशावर में बिल्कुल अलग है, एग्जैक्टली द रिवर्स है, क्योंकि वो बहुत ही इंटेंस डार्क कैरेक्टर है अबू शामिल का, जो जिसने एक्चुअली वो जो पेशावर अटैक्स हुए थे, मास्टरमाइंड वही था उन अटैक्स के पीछे। और मास्टरमाइंड होने के साथ साथ एग्जीक्यूशन भी उसी ने किया, तो एक वो एक डीप डार्क क्रेविस में जाना पड़ा मुझे ऑफ द ह्यूमन साइकी, क्योंकि जब आप कोई एक किरदार निभा रहे हो, यू हैव टू समहाउ जस्टिफाई योर एक्शंस, और टू जस्टिफाई समथिंग सो डार्क, जो इंसान बच्चों को यू नो का खून कर रहा है, इट्स अनफैदमेबल फॉर पीपल लाइक अस। सो इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग टू एक्चुअली गो इन टू दैट साइकी, एंड फिर उसके बाद तुरंत बाद ये शो आया मेरे पास, एंड जस्ट टू डू समथिंग विच इज़ सो लाइट हार्टेड एंड स्लाइटली मोर यू नो ऑन अ नॉर्मल in the normal zone was good to actually cut off from Peshawar and Abu Shamil. Baatein karne se aisa lag raha hai ki aap dono jo hai us character mein puri tarah se ekdam apne aap ko dhaal diya tha. Kitna besabri se intezar hai is aapki is web series ka? Bahut hi excitement hai, kyunki jaise ki humne kaha ki hum dono ke liye debut hai web pe, to we are very excited to see ki response kya hoga. Excited to see कि हम लोगों ने काम कैसा किया, शो कैसे, यू नो द एंड रिजल्ट ऑफ ऑल आर हार्ड वर्क। शूट के वक्त तो हमें लग रहा था कि कुछ स्पेशल बन रहा है, स्पेशली जो हम दोनों के बीच में सीन्स थे, देयर वाज दैट यू नो दैट कैमराडरी, जो भाई भाईचारा होना चाहिए, वो केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी विद अस एंड आई थिंक ऑल द एक्टर्स, वी हैड गुड एंड कास्टिंग वॉज वेरी यू नो बैंग ऑन। हमारे जो डायरेक्टर है दीपक पांडे इज़ वेरी गुड विद एक्टर्स, एटलीस्ट यू नो एज फार एज माई एक्सपीरियंस गोज, ही इज़ very good with actors and you know giving direction, so it's been a good experience and really looking forward to seeing ki end result kaisa hai. Ji, web series ki duniya hum dekh rahe hain ki ye jaal puri tarah se badhta ja raha hai Hindustan mein, and log pasand bhi kar rahe hain. Aap kaise dekhte hain ise and kitna enjoy kiya aapne, kyunki aap logo ke liye pehli baar hai isliye? Main
कंटेंट की अगर बात करें तो मैं सिर्फ वेब सीरीज़ देखता हूँ, मुझे याद भी नहीं मैंने लास्ट टाइम टीवी कब देखा था नॉर्मल, क्योंकि तो धीरे धीरे करके मेरा कहने के लिए ये मतलब नहीं कि मैं टीवी को मना कर रहा हूँ या मैं टीवी नहीं करना चाहता, वो एक अलग मीडियम है, और धीरे धीरे करके वेब इतना बड़ा होता जा रहा है कि शोज़ के बजट्स इतने बड़े बड़े होते जा रहे हैं, उनके फिल्मों के इतने बजट नहीं होते जितने कभी कभी किसी वेब सीरीज़ के होते हैं, तो वो दिमाग में रखते हुए ये जोन बहुत बढ़िया है, और इसकी ऑडियंस वो को स्पून फीडिंग की ज़रूरत नहीं होती, मुझे तो ऐसा मुझे पर्सनली तो लगता है कि किसी ऑडियंस को नहीं है, लेकिन बहुत सारे टीवी चैनल्स को लगता है, उनकी रिसर्च टीम आके उनको बताती है कि एक टेलीविजन ऑडियंस जो है उसको उनको स्पून फीडिंग ज़रूरत है, उनको अच्छा कंटेंट पसंद नहीं है, उनको शार्प कंटेंट पसंद नहीं, उनको इंटेलिजेंट आईक्यू कम है, उनका आईक्यू कम, मुझे वैसा पर्सनली नहीं लगता है, लेकिन यहाँ पे लोग बहुत क्लियर हैं, जो लोग देखते हैं वो भी बोलते हैं हमको नॉर्मल नहीं चाहिए, हमको रियल स्टफ चाहिए, हमको अच्छा चाहिए, तो एज एन आर्टिस्ट, चाहे वो आर्टिस्ट क्रिएटिव जो होता है, जो एक्टर हो, डायरेक्टर हो, राइटर हो, वो थोड़ा खुले में सोच सकता है और मज़ा आता है वो सब करने में, बंदिश नहीं है कोई। और इनके जैसे मैं भी टेलीविज़न बहुत कम देखता हूँ, इनफैक्ट कल मैंने बहुत अरसे के बाद टेलीविज़न टीवी ऑन किया था, इसलिए क्योंकि इंडिया साउथ अफ्रीका का मैच चल रहा था, मैं स्पोर्ट्स देखता हूँ बस, मैं भी इनके जैसे सिर्फ वेब शोज़ देखता हूँ, एंड आई थिंक जैसे कि इन्होंने कहा कि एक ये जो दौर चल रहा है होपफुली सेंसरशिप नहीं होगी और नहीं आएगी इस जोन में, क्योंकि क्रिएटिव फ्रीडम मिलना बहुत ज़रूरी है आर्टिस्ट को, और यू कैन एक्सप्लोर योर बाउंड्रीज, यू कैन गो क्रेजी विथ योर थॉट्स, यू कैन बी एज रियल एज पॉसिबल, यू नो कुछ लोग ओवर द टॉप जाते हैं, मान आई एग्री कि कुछ ओवर द टॉप जाते हैं, नो डाउट, चाहे वो एक्सप्लिसिट कंटेंट के साथ हो या फिर गाली गलौज के साथ हो, देर आर सम इनिशियली जो बहुत ओवर द टॉप गए थे, बट आई थिंक कि वो अभी वो दौर चला गया, एंड पीपल आर नाउ ऑब्वियसली फोकसिंग मोर ऑन कंटेंट एंड बीइंग रियल, सो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग दैट ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैव कम इन सच अ बिग वे, एंड जैसे कि इन्होंने कहा कि बिग बजट्स आर बीइंग यू नो पम्प्ड इनटू सम ऑफ द शोज, नॉट एवरीवन, देयर इज अ रेंज फॉर एवरीवन, सो एवरी एक्टर, एवरी डीओपी, एवरी डायरेक्टर, एवरी राइटर इज बिजी टुडे, व्हिच इज अ वेरी गुड थिंग फॉर द इंडस्ट्री इन जनरल। यू नो इकबाल जी, जैसा कि आपने कहा आपने अपने कैरेक्टर के बारे में बताया कि आपका जो कैरेक्टर है वो मार्केट में पैसे लगाता है, एंड रियल लाइफ में कितना इन्वेस्ट करने में कितना बिलीव करते हैं? रियल लाइफ में मैंने ना आज तक स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया है और ना ही कभी लगाऊंगा। कोई खास वजह? मुझे बात पता ही नहीं क्या है, मैं घुसता ही नहीं उसके अंदर। अच्छा अश्विन जी, आप बताइए, मैं मार्केट में फोन पैसे लगाने में कितना बिलीव करते हैं? देन देखिए, अगर आप इन्वेस्टमेंट पे, हाँ मैं करता हूँ, अगर आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे करते हो तो फिर ठीक है, नॉट फ्रॉम अ स्पेकुलेटिव पॉइंट ऑफ व्यू। क्या है ना, लोग स्पेकुलेशन करते हैं, वो सट्टा खेलते हैं कि आज में डालेंगे कल निकालेंगे, आज फ्लक्चुएशन होगा तो यू नो ये ऊपर जाएगा तो बेच देंगे, या नीचे जाएगा तो शॉर्ट सेल करेंगे, वो इफ़ यू डू दैट इट्स लाइक गैम्बलिंग, एंड ऑफ द डे द हाउस टेक्स होम ऑल योर मनी, सो अगर आप स्पेकुलेशन करेंगे तो आप हारेंगे ही हारेंगे, अनलेस यू आर रियली रियली गुड, देयर इज अ फ्यू इन हैंडफुल, चंद लोग हैं जो ये चीज़ कर सकते हैं विथ मेकिंग अ प्रॉफिट, तो आपको इन्वेस्ट करना चाहिए कंपनीज के क्रेडेंशियल्स, उनके फंडामेंटल्स को नज़र में रखते हुए, उनके बैलेंस शीट्स पढ़ के, या फिर आप किसी के पास जाओ जो इस चीज़ में माहिर हो, जो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ब्लू चिप कंपनीज में इन्वेस्ट करो, यू नेवर लूज मनी। इनकी कंपनी थी अपनी? मैंने एक्चुअली फाइनेंस स्टडी किया हुआ है, और इंडिया वापस अमेरिका में, और इंडिया वापस आने के बाद मैंने एक स्टॉक ब्रोकिंग फर्म में काम किया, मैंने खुद का एक इंडेक्स भी बनाया था KSL 75 करके, तो हाँ थोड़ा सा नॉलेज है, लेकिन रुचि नहीं है, नहीं बिल्कुल नहीं। इकबाल जी को भी आप उस दुनिया में थोड़ा लेकर आना चाहेंगे, थोड़ा सा और रुचि दिलाना चाहेंगे? नहीं, मुझे बहुत तो नहीं रुचि दिलानी, लेकिन ये रुचि मुझे पसंद नहीं, नहीं नहीं ये रुचि नहीं। आई मीन जैसे कि मैंने कहा, अगर वो इन्वेस्ट करना चाह रहे तो ब्लू चिप कंपनीज में ज़रूर इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको भूल जाना चाहिए कि 10-15 साल 20 साल आपके बच्चों के एडुकेशन के लिए अगर आप कुछ रखना चाह रहे हैं
तो या अगर आपको 1 लाख अभी डालना है, आपको पता है कि 15 साल के बाद वो 15 लाख हो जाएगा, यू नो दैट, और 10 लाख जो भी है. सो दैट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग. लेकिन आज के डेट में लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं, विच इज़ रॉन्ग. चलिए जाते आते, आई थिंक अभी डेट तो नहीं आई है रिलीज डेट की, अगर आप कुछ कहना चाहें दर्शकों को. बुल्किंग का रिलीज डेट अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन पेशावर का डेट तय हुआ है, दिसंबर 16th को रिलीज होगी, क्योंकि एक्चुअली जो अटैक्स हुए थे 2016 में वो दिसंबर 16th को ही हुए थे. सो दैट इज़ द रीज़न रिलीजिंग पेशावर ऑन द सेम डे. फैंस को यही कहना चाहेंगे कि क्लीशे सी लाइन होती है, ये बहुत हटके शो है, लेकिन जेन्युइनली है. मैंने तो पहले कभी ऐसा नहीं किया है, और ना ही किसी ने मुझे ऐसे रोल में कभी देखा है, तो वो मैं जेन्युइनली कहूँगा कि ऐसा है. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.